जब कंगाल हुए कपिल शर्मा, हो गया था जीरो बैंक बैलेंस, गिन्नी ने नहीं छोड़ा था हाथ, बोले पैसे बर्बाद किए। जी दोस्तों, कपिल शर्मा को मिली जिंदगी की एक ऐसी सी, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। लाइफ में काफी उतार चढ़ाव से गुजरने के बाद आज वो सक्सेस की पीक पर हैं। जी दोस्तों, इस मुकाम तक आने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। सफल कॉमेडियन बनने के बाद वो एक्टिंग और प्रोडक्शन लाइन में आए, लेकिन बतौर एक्टर और प्रोड्यूसर उन्हें वो सफलता हासिल नहीं हुई। जी दोस्तों, एक पॉडकास्ट में कपिल शर्मा ने अपने डिप्रेसिव फेज के बारे में बात की। जी दोस्तों, कपिल शर्मा ने कहा, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मैंने 2 फिल्म प्रोड्यूस कर दी थी, मुझे लगा पैसा आ गया है, मैंने सोचा लोग पैसों से प्रोड्यूसर बनते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि प्रोड्यूसर कभी पैसों से नहीं बनते, प्रोड्यूसर की सोच अलग होती है, उनकी ट्रेनिंग अलग होती है, मैंने काफी पैसे बर्बाद किए, मेरा बैंक बैलेंस जीरो हो गया था और गिन्नी मुझे एस्टरडेम ले गई थी क्योंकि मैं डिप्रेशन में था, मैंने एकदम से सारा कमाया हुआ पैसा खो दिया था, मुझे लगा इतनी मेहनत से सब कमाया था, सब चला गया। जी दोस्तों, कपिल शर्मा का मानना है कि अगर उन्होंने ये सब नहीं झेला होता तो शायद आज जिंदगी का जो फेज एंजॉय कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। जी दोस्तों, कॉमेडियन कपिल शर्मा के मुताबिक जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमारी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी पुरानी गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। जी दोस्तों, कपिल शर्मा की ये सीख तो हर किसी को अपनानी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव ना आया हो। जी दोस्तों, कपिल शर्मा ने फिल्म फिरंगी और सन ऑफ मंजीत सिंह प्रोड्यूस की थी, दोनों ही फिल्म फ्लॉप थी, दोनों फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस नहीं मिली थी। तो दोस्तों, जिंदगी एक जीने का नाम है, उतार चढ़ाव तो आते रहेंगे, बस अपने काम पे फोकस करो और सबसे मेन इम्पोर्टेंट अपने पे फोकस करो। क्या आपको पता था सबको हंसाने वाला भी डिप्रेशन के फेस से गया है? जी दोस्तों, डिप्रेशन उतार चढ़ाव सबकी जिंदगी में आता है, तो छोटी सी जिंदगी है, खुल के जियो। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।